तो जब भी आपके घर में चावल बचता है तो आप उस लेफ्ट ओवर राइस का क्या करते हैं, जल्दी से कमेंट में बताइए। हे मांचरस, वेलकम टू मांचिंग फिट, आई एम सोनाली। तो आज मैं वही लेफ्ट ओवर राइस से बनने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ जो साउथ इंडिया के 5 स्टार के बफेस और शादियों में सर्व होती है, वो है कर्ड राइस। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि उनके कर्ड राइस खट्टे या टेस्टलेस बनते हैं और इसी चक्कर में वो खाना पसंद नहीं करते। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि इसमें मैंने सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं जिससे आपके कर्ड राइस कभी फीके नहीं बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कर्ड राइस बनाने के लिए मैंने लिया है 1 बोल बचा हुआ बासमती चावल, 1 कटोरा फ्रेश दही, अगर चम्मच में देखा जाए तो 4 बड़े चम्मच। अब 1 बोल में चावल और दही को मिला देते हैं। अगर आपके पास लेफ्ट ओवर राइस नहीं है तो आप इस रेसिपी को फ्रेश राइस से भी बना सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि राइस को रूम टेम्परेचर पर जरूर आने दें, नहीं तो गर्म चावल में दही ऐड करते ही वो खट्टा हो जाएगा। और दूसरी बात, दही भी फ्रेश लेना है। अगर आपका दही खट्टा है या 2 या 3 दिन पुराना है तो उसको मत लीजिएगा। तो ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बेल आइकन के साथ, जिससे आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा दूध। अब जिनको दूध नहीं पसंद है तो वो पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो अब जो कटोरे में दही बचा हुआ था ना, तो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करके इसमें ऐड कर देते हैं। आपको पता है साउथ इंडियंस इसको मील के एंड में खाते हैं। अब हर कोई तो मील के एंड के बाद डेजर्ट खाना पसंद करता है, तो कर्ड राइस क्यों? क्योंकि कर्ड प्रोबायोटिक है नेचर में एंड स्पाइसी फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो कभी भी आपको एसिडिटी, इनडाइजेशन, बर्निंग सेंसेशन हो तो आप इस रेसिपी को कभी भी बना सकते हैं। तो अब इसमें ऐड करते हैं 1 कद्दूकस की हुई गाजर, 1 कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, हरा धनिया, थोड़ी सी क्रश्ड पेपर, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर। अब मिक्स कर देते हैं ताकि सब मसाले अच्छे से मिल जाएं। अब ऊपर से तड़का भी मार देते हैं, जिसके लिए थोड़ा सा ऑयल लेंगे तड़का पैन में। फिर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून राई, कड़ी पत्ता और सूखी हुई लाल मिर्च। तो जैसे ही ये सब स्प्लटर होने लगे, मतलब चटकने लगे, तो गैस ऑफ करके कर्ड राइस के ऊपर डाल दें। अब तड़के को भी ऊपर से नीचे अच्छे से मिक्स कर दे ताकि हर बाइट पे उसका फ्लेवर आना चाहिए। तो अब ऊपर से अनार के दाने और धनिया से गार्निश कर देते हैं। तो कलरफुल कर्ड राइस सर्व करने के लिए रेडी हो गया है। इसको हमेशा रूम टेम्परेचर या ठंडा सर्व करें। ये बहुत ही टेस्टी और कितने सिंपल इंग्रेडिएंट से बन जाता है। तो बस जो मैंने शुरू में ट्रिक्स बताई हैं उसको ध्यान में ज़रूर रखें और आपके फिर कर्ड राइस कभी टेस्टलेस नहीं बनेंगे। तो आप भी इस तरीके से घर पर बनाइए और मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग मंचिंग फिट।